हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लोजिंग में फाइट करते हुए M4 से उसमें कौन कौन से अटैचमेंट लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए। लॉन्ग रेंज में उसमें कौन से अटैचमेंट लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, ये सब मैं आपको आज मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में मेरी वीडियो देखने की समस्या ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना किसी बकवास किए, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि M4 में अगर क्लोजिंग में आपको अटैचमेंट चाहिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप क्लोजिंग में फाइट करते हैं या फिर लॉन्ग रेंज में फाइट करते हैं, तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है। क्लोजिंग में फाइट करते समय हमारी जो एमओ होती हैं इधर उधर भटक जाती हैं, सारी की सारी बंदों को कनेक्ट नहीं होती हैं। इसलिए आपने कभी देखा होगा क्लोजिंग में फाइट करते समय क्लोजिंग में फाइट रेंज में काफ़ी गन्स वेस्ट हो जाती हैं, जबकि हमारी लॉन्ग रेंज में इतनी एमओ वेस्ट नहीं होती। कभी अगर आप सिंगल शॉट करके अगर दूर से मारेंगे तो 2 या 3 एमओ नॉक हो जाएगा M4 से। यदि यही आप अगर क्लोजिंग में मारेंगे तो कम से कम 800-900 पॉइंट ले लेता है वो, ठीक है। अब मैं यही सब बताने वाला हूँ आपको, ऐसा क्यों होता है। देखिए, लॉन्ग रेंज में हमारी बर्ड की स्पीड भी बढ़ जाती है, इसलिए उसको तेज़ लगती है। क्लोजिंग में बर्ड की स्पीड नहीं निकल पाती, इसलिए उसको स्लो लगती है। बस यही एक रीज़न होता है और कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्लोजिंग में आपको कौन सा अटैचमेंट रखने। देखिए, मैंने अपने बैग में उठा रखे हैं। देखिए, क्लोजिंग में आपको सिंपल ये सब आपको यूज़ करना, कंपल्सरी तो यूज करना ही करना है। साथ ही साथ ये ग्रिप के रूप में आपको लेजर शॉट यूज करनी है। मैगजीन आप कोई से उठा सकते हैं, ठीक है। स्टॉक M4 जरूर रखें अपने साथ में। अब देखिए, लॉन्ग रेंज आपको इसको कौन सा यूज़ करना है। तो जैसे आपको आपको लग रहा है कि यदि लॉन्ग रेंज फाइट नहीं है, क्लोजिंग फाइट है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, हेडड्रोन से कनेक्ट कर सकते हैं। हेडड्रोन कनेक्ट करके आप ऐसे ईजिली आप फाइट कर सकते हैं। और यदि आप ये सब अटैचमेंट ला के हेडड्रोन से खेलेंगे तो आपको काफ़ी एम होगा, स्टेबल रहेगा, आपका एम बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये आपके लिए बहुत ही एक बढ़िया ट्रिक होने वाली है, जो आप क्लोजिंग में आपको काफ़ी मदद करने वाली है। अब आते हैं लॉन्ग रेंज फाइट पर। जैसे अब क्लोजिंग फाइट में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, यदि आप क्लोजिंग फाइट में कर रहे हैं तो आप जिगर करते रहेंगे, जिगर करने से आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और एक बात बताऊँ तो अगर आपको यदि किसी पीछे कवर मिल रहा है, टीवी मिल रही है, तो आपके लिए बहुत आसानी होगा। जैसे आप यहाँ पर टीवी लेके सिंपली इजी खड़े हो जाइए, बंदे ऐसे वहाँ से आ रहा है तुरंत पीक करके तुरंत ऐसे मार दीजिए तुरंत, ठीक है। ऐसे पीक कर तुरंत मार सकते हैं इजीली। ये आपकी काफ़ी एक ट्रिक है क्लोजिंग फाइट करने के लिए, टीवी किसी का कवर लेकर तुरंत मारें। बातें लॉन्ग रेंज फाइट पर, लॉन्ग रेंज फाइट में आपको बताता हूँ कौन सा अटैचमेंट चाहिए होते हैं। लॉन्ग फाइट के लिए सिंपली आपको सिर्फ एक चेंज करना, सिर्फ ग्रिप आपको बदल लेनी है, चाहे फिर हाफ ग्रिप रख लीजिए या फिर वर्टिकल रख लीजिए। ये आपको काफ़ी मदद करने वाले लॉन्ग रेंज में। आप वर्टिकल से होता क्या देखिए, और आपको स्कोप यूज़ करना है तो आप 3x कर सकते हैं, 6x को 3x बना के कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल से सारी की सारी आपकी उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेड डॉट, और यदि मान लें यहाँ से 90 मीटर दूर है, तो देखिए 6 से मार कितना अच्छा काम कर रहा है। यदि यहीं से आप अगर रेड डॉट से मारेंगे ना, तो आपका इतनी ईजी काम नहीं करेगा। देखिए 6x से ये आप उसमें हेड भी मार सकते हैं। देखिए मैं हेड मार के दिखाऊंगा इसको आपको, देखिए थोड़ा मेरा सेंसिटिविटी ख़राब है इसलिए लोड वाइज लिए, ठीक है दोस्तों। तो बेस्ट आपके यही रहेगा, लाइट ग्रिप यूज करके देख सकते हैं। इसमें मैं अब लाइट ग्रिप यूज़ कर ले रहा हूँ, देखिए जो आपका बेस्ट लगे। पर ये लेजर शॉट आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग रेंज फाइट में आपको M4 से 3x यूज करते रहना चाहिए। 3x से काफ़ी स्टेबल लग रहा है मेरे में। दोस्तों, यही था एक टिप्स एंड ट्रिक वीडियो, जो आप क्लोज रेंज में और लॉन्ग रेंज फाइट में दोनों यूज कर सकते हैं M4 में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।